श्री अकाल जी, मैं राहुल गुप्ता, मैंबर पंजाब स्टेट कोविड कंट्रोल रूम। अज करफ्यू के 44वें दिन ताज़ा जानकारी इस प्रकार है। पंजाब के कोविड के आंकड़े कुल पॉजिटिव 1451, जो कि कल की गिनती नालों 219 वध हैं। ठीक हुए 133, कुल मौत 25। विश्व के आंकड़े संक्रमित हुए 36,70,000, ठीक हुए 12,07,000, मृतक 2,50,000। भारत के आंकड़े संक्रमित हुए 46,480, ठीक हुए 12,850, मृतक 1,571। 4 मई तक 96 लाख मैट्रिक टन कनक की सफलतापूर्वक खरीद कर ली गई सी, जो कि इस रबी मंडीकरण सीजन की खरीद का लगभग 3/4 हिस्सा है। हुण तक 10,03,000 प्रवासी दूजे राज्यों विच वापस जाने लई अते 13,000 लोग पंजाब विच आउण लई www.covidhelp.punjab.gov.in ते रजिस्टर कर चुके हैं। प्रवासी कामियां दी घर वापसी लई रेल यात्रा दा सारा खर्चा पंजाब सरकार चुकेगी। इन्हां प्रवासी वीरां नूं बेनती है कि वह इस मुश्किल की घड़ी सबर बनाई रखन। पंजाब सरकार बाकी राज सरकारां नाल गल करके स्पैशल ट्रेन्स की रिक्वायरमेंट बारे फैसला लेगी अते रेल मंत्रालय तो अरेंज करावेगी। ये नॉन स्टॉप ट्रेनस हैं अते एक ट्रेन एक ही शहर विच जावेगी। हर ट्रेन विच समाजिक दूरी नूं बनाई रखने की लोड़ कारण वध तो वध 1200 यात्री ही सफर कर सकेंगे। यात्रा तो पहला सारे व्यक्ति स्क्रीन किए जाएंगे अते कोविड-19 दे कोई भी लक्षण ना पाए जाते ही उन्होंने यात्रा करने की आग्ञा दी जाएगी। सारे यात्रियों लई फेस मास्क पाना जरूरी होगा। यात्रियों वालों जेकर सुरक्षा अते साफ सफाई का खास ध्यान ना रखा गया तो रेल मंत्रालय ये ट्रेना नूं कैंसल भी कर सकता है। कोविड-19 लॉकडाउन दौरान बच्चों नाल संबंधित मामले सुलझाने लई पंजाब सरकार वालों स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दे वाइस चेयरपर्सन अते 4 गैर सरकारी मैंबरां नूं नियुक्त किया गया है। अज इन्ना ही, धन्यवाद।